हेलो एवरी वन आई होप यू पीपल आर एब्सल्यूटली फाइन एंड रॉकिंग इन द टाइम यू आर सो इन टुडेज वीडियो वील कवर टेंथ क्लास फर्स्ट थर्ड चैप्टर फ्राम रीड अ बुक दैट इज़ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग सो जैसे कि बुक का नाम ही है फर्स्ट फ्लाइट सो दिस चैप्टर हैज़ ऑल्सो गॉट द टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट दिस इज द पार्ट वन ऑफ चैप्टर लियान बायर रिटन बाय लिया ओ फ्लहटी ओके सो लेटेस्ट बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर विदाउट एनी डिले एंड फर्दर टॉकिंग्स ओके सो फर्स्ट वी हैव द थीम ऑफ द स्टोरी सो इस स्टोरी में क्या है ये एक स्टोरी है कि यंग सीगुल की एक यंग सीगुल की आ, सी एक यंग सीगुल की स्टोरी है जिसमें वो छोटा है और बर्ड्स कैसे उड़ना सीखते हैं बर्ड्स सीखते हैं उड़ना जब उनको उनके पेरेंट्स उनको फ्री छोड़ देते हैं जाओ ट्रस्ट द पावर ऑफ योर विंग्स एंड अपने पंखों की ताकत को पहचानो और उड़ान भरो जब तक उड़ान भरेंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं जिंदगी जीना खुद जीना पेरेंट्स के बिना जीना ठीक है so, सो इस स्टोरी में भी यही होता है द थीम ऑफ द स्टोरी इज दिस इज अ स्टोरी ऑफ हेजिटेशन जिसमें उस यंग सीगुल को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है हिचकिचाहट होती है ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि आप ट्राई कर रहे हो बार बार गलती होगी सीखोगे गलती होगी सीखोगे इस तरीके से एंड फाइनली गेटिंग सक्सेस इन द एंड और एक वो स्टेज आता है जब वो बार 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 क्या है फेल होता है उस अटैम में बट फिर अल्टीमेटली आकर सीख जाता है ठीक है फेल तो नहीं होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बट अगर हम अपनी रियल लाइफ देखें अपनी रियलिटी को एक्सपीरियंस करें तो इस तो हमेशा ही ऐसा होता है कि पहले हमें डर लगता है किसी काम को शुरू करने से पहले फिर हम उस चीज़ में सीखते हैं गलती करते हैं गलती करते हैं सीखते हैं गलती करते हैं सीखते हैं कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं और जो लोग गिव अप नहीं करते दे ऑलवेज गेट सक्सेस इन दी एंड ओके द मैसेज ऑफ द पोएम इज अ पर्सन लर्नस बाय टेकिंग करेज करेज का मतलब होता है साहस करना हिम्मत करना हिम्मत करता है जो एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल खाली बैठ के तो कभी भी कुछ भी अचीव नहीं होता है सिवाय आराम के तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे किसी दूसरे से कि वो आपको मदद करेगा तो ऐसा नहीं होता हमें खुद ही अपनी मदद करनी होती है खुद ही इनिशिएटिव लेकर करेज के साथ बोल्डनेस के साथ हमें चीज़ों को फाइट करना आना चाहिए अ पर्सन शुड ट्रस्ट वन एबिलिटीज एबिलिटीज मीन्स काबिलियत एक पर्सन को अपनी काबिलियत पे सबसे पहले तो भरोसा होना चाहिए कोई दूसरा उसके ऊपर भरोसा तभी करता है जब आप खुद पे अपना भरोसा अपने आप पे भरोसा करते हो हर्डल्स on का मतलब क्या होता है चैलेंजेस डिफिकल्ट टाइम ठीक है द फियर ऑफ सफरिंग और दूसरी एक कोटेशन के थ्रू इस चैप्टर से हमें ये समझाया गया है कोटेशन है द फीयर ऑफ सफरिंग इज वर्स दिन द सफरिंग इट सेल्फ हमेशा डर हमें ज़्यादा सताता है एज कम्पेयर टू द सफरिंग इट सेल्फ हम चीज़ों से चीज़ों को करने से पहले ही डर जाते हैं और उस डर से भी इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हम किसी चीज़ को लेकर इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते ठीक है तो इतना पार्ट में हमने कवर किया थीम और मैसेज नाउ लेटर्स बिगिन विद दी एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर ओके Uh, जो पार्ट समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना पॉइंट अपना सजेशन ठीक है एंड इफ यू रियली लाइक माय एक्सप्लेनेशन पार्ट डू गिव अ लाइक और जस्ट गिव योर रिव्यूज एंड कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन हेयर वी हैव टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर नंबर थ्री

दो ब्रदर हैं और एक सिस्टर है ठीक है उन्होंने पहले ही एक दिन पहले उड़ान भरनी सीख ली और वो शुरू भी हो गए हैं उड़ना ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई यहाँ पे ही किसको बोला गया है यंग सीगुल को कि वो बहुत ज़्यादा डरता था उड़ने में अफ्रेड का मतलब डरता था टू फ्लाई विद देम ठीक है उनके साथ उड़ने में उसे बहुत डर लगता था समहाओ ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड पर जब भी वो थोड़ी सी भाग कर जाता था ब्रिंक ब्रिंक होता है द एज बिल्कुल जो किनारा होता है किसी भी चीज का उसको ब्रिंक बोलते हैं ठीक है सपोज ये घड़ा है और ये ऊपर तक भरा है ठीक है तो फिलिंग टू द ब्रिम या ब्रिंक ब्रिंक बेसिकली किसी रॉक के किसी रॉक की एज को भी बोला जाता है ठीक है एन अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड और जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए वो बहुत डर गया द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी एक्सपैंस मीन्स फैलावट जो वाइड स्प्रेड था जितना भी स्प्रेड था वो फैली हुई इतनी बड़ी सी थी स्ट्रेच डाउन बिनीत स्ट्रेच डाउन मतलब दूर दूर तक दिख रही थी ठीक है बिनीत मतलब नीचे तो पहले एक बड़ी सी क्लिफ है आप देखो यहाँ पे एक बड़ी सी क्लिफ है और इसकी बिल्कुल किनारी को क्या बोलेंगे ब्रिंक ठीक है और नीचे ये बहुत वाइड फैली हुई क्या है सी है ठीक है एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन और वो इतना नीचे था इतना नीचे था कि अगर वो और वो इतना नीचे था मतलब उसको वो क्लिफ वो रॉक बहुत ही ऊंची लग रही थी ठीक है इट फे ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम उसे इस चीज पे भरोसा था सर्टेन मीन्स श्योरिटी सर्टेन श्योरिटी दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करे सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन बैक टू द द लिटिल होल अंडर लेज लेज का मतलब एक लकड़ी का पार्ट कह सकते हैं या एक रॉक का पार्ट जो एक रॉक के ऊपर है और एक कवरिंग उन्होंने क्रिएट की हुई है ठीक है ही फेल सर्टेन दैट हेज विंग्स वुड नेपोर्ट हिम सो ही बेंट हेज हेड एंड रैन बैक रैन बैक तो यहाँ पे बेंट हिज हेड क्या दिखाता है that he gave up. कि उसने गिव अप कर दिया ठीक है वेर ही स्लेप दैट नाइट ईच वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर वर फार शॉर्टर देन हिज ओन उसने क्या देखा कि मतलब उसके भाई बहन जो हैं उनके पंख उससे भी छोटे हैं और वो क्या ऑब्जर्व करता है कि वो हमेशा ब्रिंग तक भागते हैं अपने पंख फड़फड़ाते फर हैं और फिर उड़ जाते हैं ही फेल टू up करेज Muster अप का मतलब है गैदर up का मतलब क्या है गैदर कि वो उसे बहुत uh, मतलब जो एक उम्मीद होती है कि वो खुद कुछ कर पाएगा वो उम्मीद वो हार जाता है और इकट्ठा नहीं कर पाता क्या अहसास uh, कोशिश भी नहीं कर पाता है टू टेक द प्लंज प्लंज मतलब छलांग मारना लिख लीजिए यू मस्ट ऑलवेज कीप अ पेंसिल विद यू लाइक आई कीप वाइल एक्सप्लेनिंग यू सो दैट यू कैन राइट द मीनिंग डेयर बाय जब आप सुन रहे हो ठीक है प्लस विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट सो डेस्परेट मीन्स सो मच विलिंग गिविंग टू मच ऑफ एफर्ट्स ठीक है आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो वो डेस्परेट हिस्स फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कम अराउंड कॉलिंग टू हेम श्रिली श्रिली वो उसके पास आ जाते हैं किसके ये यंग सीगुलर इधर उधर उसके मदर फादर आके बैठ जाते हैं उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ठीक है श्रीलिंग का मतलब क्या है वेरी शार्प बॉइज अपब्रेडिंग हिम अपब्रेडिंग हिम मीन्स कोल्डिंग हिम उसे डांट रहे हैं धमका रहे हैं कि वो उसे खाना खाने को नहीं देंगे ठीक है और उस लेज पर ही भूखा मरने देंगे अगर वो अगर वो उड़ान भरना नहीं सीखता है but for the life of him he could not move but he was having the fear he had the fear of losing his life he had the fear of losing his life that is why he did not make any efforts could not move ka matlab hai did not make any efforts that was 24 hours ago एक दिन पुरानी बात हो चुकी थी सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम एंड एक्चुअली द पेरेंट्स वर सो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट इन मेकिंग हिज चाइल्ड इन मेकिंग देयर चाइल्ड लर्न वो अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे थे यंग सीगुल को सिखाना चाह रहे थे इसलिए इतनी उन्होंने अपनी स्ट्रिक्टनेस को फॉलो किया नहीं तो पेरेंट्स क्या होते हैं बच्चा अगर बात नहीं मानता है एक दिन तक दो दिन तक तो वो क्या करते हैं बच्चे की ही बात मान लेते हैं और उसके साथ एग्री करते हैं बट पेरेंट्स हे स्टक टू देयर डिसीजन पेरेंट्स अपने डिसीजन पर टिके रहे और 24 घंटे हो चुके थे कोई भी उसके पास नहीं आया द डे बिफोर एक दिन पहले ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर एक दिन पहले उसने क्या देखा था कि जब उसके भाई बहन सीख चुके हैं क्या करना सीख चुके हैं उड़ान भरना तो वो क्या कर रहे हैं उनके साथ मदद कर रहे हैं उनको देख रहे हैं उसके भाई बहनों को आ, उड़ते हुए ठीक है परफेक्टिंग देम इन दी आर्ट ऑफ फ्लाइट परफेक्टिंग देम मतलब स्किलिंग देम अपने आप का हुनर वो अपना हुनर पक्का कर रहे थे उड़ने में क्योंकि चिड़िया का काम ही क्या है उड़कर अपनी ज़िंदगी को चलाना ठीक है टीचिंग देम हाउ टू स्किम स्किम का मतलब क्या होता है पानी के बहुत क्लोज जाओ बस इतना क्लोज जाओ कि सरफेस से हल्का सा टच होके ऊपर वापस से आ जाओ स्किमिंग हम उसको भी बोलते हैं कि जब हम ऊपर ऊपर से रीडिंग करते हैं ना उसको भी स्किमिंग बोलते हैं तो ऊपर ऊपर से बस सरफेस को हल्का सा टच करके ही जब वापस उड़ान भरी जाती है उसको बोला जाता है स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और स्किम करना फिर उसके बाद चोंच को किस तरीके से पानी के अंदर डालना है और किस तरीके से अटैक करना है एक फिश के ऊपर ताकि वो अपना खाना खुद ले सकें ठीक है ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हेज फिश हरिंग एंड डीवरिट हरिंग हरिंग क्या है फिश हरिंग क्या है एक bird, एक फिश है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है सॉफ्ट अफ फॉर न्यू बर्ड्स इतनी सॉफ्ट होती है कि न्यू बर्ड्स भी क्या हैं उनको पकड़ के खा सकती हैं एंड डीवरिट डीवरिट मतलब होता है जायके के साथ खाना डीवर का मतलब होता है जायके के साथ खाना स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल्ड हिस्पेरेंट सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल प्राउड कैकल ये एक साउंड वर्ड है बर्ड का ठीक है कैकल uh, जो है साउंड वर्ड है और अगर आपको याद हो मैंने पोइटिक डिवाइस की वीडियो uh, में ये चीज़ कवर की थी कि कैकल क्या होता है एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और उसे बोलते हैं हम ओनोमेटोपिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं जब उसने देखा कि उसके भाई भाई ने एक छोटी सी बहुत सॉफ्ट फिश जो है खुद स्कीम करके डाइव करके पकड़ी और उसे बहुत जायके के साथ खा खाने लगा जब वो तो उसने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं उसे इनक्रेज कर रहे हैं एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम विद दी विद यहाँ पे ये सारी बात जो बोली गई है ये किसके लिए बोली गई है यंग सी लिए। ये सारी बात बोली गई है यंग सी गुल के लिए कि उसने क्या देखा कि उसके जो पेरेंट्स थे वो दूसरी वाली क्लिफ जो एक क्लिफ ये है एक सामने एक क्लिफ है ठीक है सामने एक क्लिफ है वहाँ पे जाके वो आ, सब हैं आ, सारे सीगुल दोनों भाई एक बहन और दो पेरेंट्स ठीक है तो जब उसने देखा कि वो लोग वहां जा चुके हैं बिग प्लेट्यू पे और अपोजिट क्लिफ पर जाके वो उसे क्या कर रहे हैं टोंट कर रहे हैं वहीं पे जाके उसे कोस रहे हैं देवर नेगेटिव मोटिवेशन फॉर हिम दिस अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन फॉर हिम दैट वर टोंटिंग हिम फॉर हिज का डाइस की तुम कमजोर हो तुम कायर हो यू यू डू नॉट द एबिलिटी टू फ्लाई

Nightfall uh, इधर यहाँ पे बोला गया है कि पिछली रात से मतलब एक एक पूरी एक रात बीत चुकी है कि उसने कुछ नहीं खाया और अब क्या है बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि उसे वो धूप की रोशनी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है ही इज़ अनेबल टू टॉलरेट दैट हीट ऑफ द सन एंड नाउ ही इज एज ही इज वीक ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज तो बहुत धीरे धीरे ब्रिंक ब्रिंक मैंने आपको पहले भी बताया था किनारी को बोलते हैं ब्रिंक ऑफ द लेज वो जो लेज था जहाँ पे वो बैठा था एक छोटी सी लॉन्ग स्लैब है ठीक है रॉक की ही लॉन्ग स्लैब है उसे लेज बोला गया है एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग और किस तरीके से खड़ा था कि एक पैर पे तो खड़ा और दूसरा पैर विंग्स में छिपाया हुआ था ही क्लोज वन आई एक आंख बंद करी एंड देन दी अदर फिर दूसरी आंख बंद करी ठीक है एंड प्रटेंडेड टू बी फॉलोइंग अ स्लीप और जिस तरीके से चिड़िया सोती है उसी तरीके से उसने कोशिश की मैं दिखाता हूँ कि मैं सो रहा हूँ ठीक है बाय बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू फेस द पेरेंट्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू फेस द पेरेंट्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डाइव हाउ टू फ्लाई बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज ओन लाइफ क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो अपनी जिंदगी से हाथ ही धो देगा ठीक है हाथ धोने का मतलब है सैनिटाइज करना नहीं है हाथ धोने से मतलब है यहाँ पे कि अपनी लाइफ को ही लूज कर देगा मर जाएगा स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हेम तब भी उन्होंने मतलब वो प्रिटेंड करता रहा अटेंशन सीख करने के लिए पर पेरेंट्स ने कोई अटेंशन उसे नहीं दी ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर लाइंग ऑन प्लेट्यूजिंग विद हेज संक इन टू देअर नेक और चढ़िया इसी तरीके से सोती है कभी आपने देखा हो वो विंग्स को तो कवर कर लेती है अपनी पूरी बॉडी पर और अपनी जो नेक है वो इनर बॉडी की तरफ मूव कर लेते हैं जैसे हम सर झुकाते हैं इसी तरीके से वो भी मूव कर लेती हैं हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑफ हिज वाइड बैक प्रिनिंग का मतलब है एफर्ट्स कर रहे थे मतलब बेसिकली जैसे होता है ना यू uh, जैसे आप लोग नहाते हो बॉडी uh, को अडोर करते हो लोशन लगाते हो बॉडी को क्लीन uh, करते हो ठीक है सो दैट यू आर फिट एंड रेडी यू वी अर फाइन क्लोथ्स क्लीन क्लोथ्स इसी तरीके से बर्ड्स वो बर्ड जो फादर बर्ड थी वो भी क्या कर रही थी अपनी फैदर्स uh, को इस तरीके से मैनेज uh, कर रहे थे कि वो बिल्कुल मेनटेन लगे Only his mother was looking at him. But mothers are mothers. Mothers are the most kind form of uh, living being on the earth. Mothers will always be the god to um, a child in his lifetime. तो उसी तरीके से माँ दर को पता था कि वो क्या कर रहा है। She was standing on a little high hump on the plateau. Plateau के ऊपर एक छोटी सी चट्टान के ऊपर वो खड़ी थी। ठीक है, शायद एक पत्थर के ऊपर। हम्प का मतलब होता है बेटा इस तरीके से एक उठा हुआ पार्ट जैसे कैमल का होता है ठीक है हर वाइट ब्रेस्ट फॉरवर्ड एंड शी वॉज फिजिकली बिल्ट बहुत अच्छे से बिल्ट थी फ्लाइट करना उन्हें अच्छे से आता था तो वो अपनी ब्रेस्ट uh, जो मतलब शी वॉज स्टैंडिंग फर्म ठीक है नाउ एंड अगेन शी टोर एट द पीस ऑफ फिश दैट ले एट फीट देन स्क्रेब ईच साइड ऑफ हर बीक टू द रॉक वो क्या कर रही थी वो शार्पनिंग हर बीक ठीक है और वो बीक को कैसे घिसकर और दूसरी चीज जो उनके पास एक मीट पीस था उस meat piece को क्या कर रही थी वो आ, स्क्रेप कर रही थी घिस रही थी छील रही थी चीर रही थी ठीक है पीस ऑफ फिश दैट लेट अ फीट उनके पैर के पास एक फिश का पीस रखा हुआ था उसे वो स्क्रेप करती हैं, घिसती हैं, चीर देती हैं एकदम ठीक है स्क्रेपिंग का मतलब होता है खुरचना या चीरना साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक द साइड ऑफ द फूड हिम पागल कर दिया क्योंकि उसने एक दिन पहले से कुछ नहीं खाया हुआ था तो जैसे ही उसने खाना देखा और जैसे ही उसने देखा कि उसकी मदर उसके लिए खाना चीर रही वो फिश को चीर रही है तो उसकी भूख जो थी बढ़ गई ठीक है हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे क्योंकि उसे फूड क्योंकि पेरेंट्स लेकर आते थे अब तक तो उसे पता था कि बीक से किस तरीके से खुरच कर खाना खाना है ठीक है और टीयर करना है स्क्रेपिंग हिज बीक नाउ एंड देन अगेन टू वेट इट वेट इट का मतलब है शार्प करने के लिए और उसे ये भी पता था कि रॉक से किस तरीके से रगड़ कर मुझे अपनी चोंच को पैना करना है शार्प बनाना है इतना शार्प कि वो फिश की बॉडी को टीयर कर सके और वो उसको च्यू कर सके ठीक है अब ये भी उसकी मदर का एक मोटिवेशन था दिस वॉज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन किस लिए मोटिवेशन टू फ्लाई टू बी एबल टू फ्लाई टू फ्लाई और ये किसकी तरफ से किया गया है ये मदर की तरफ से एफर्ट्स किए गए हैं ठीक है थीके? अब गा 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 दिस इज देयर टोन ठीक है ये उनकी आवाज है ये उनकी वॉइस है ही और वो बैगिंग मतलब वो मांगने लगता है कि मेरे को खाना दे दो एंड द मदर अंडरस्टैंड अ चाइल्ड चाइल्ड्स वे ऑफ स्पीकिंग कि वो कब क्या बोल रहा है ठीक है गो कोला गो कोल शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली डेरिसिवली मीन इन सच अ मैनर दैट शी इज़ शोइंग दैट शी इज़ टूपिड कि उन्हें पता ही नहीं मतलब वो तो इग्नोर कर देती हैं उसको ठीक है वो स्क्रीम करती हैं बैक पर बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट वे में बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली प्ले पर उसने लगातार लगातार वो अपनी मदर को uh, वॉइस दिए जा रहा था गा 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 सो दैट ही कैन सीक द टेंशन ऑफ द मदर ताकि मदर उस पर ध्यान दें और उसे खाना ला के दे दें ठीक है एंड आफ्टर अट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम और फिर बहुत खुशी से उसने क्या करा चिल्लाने लगा पता नहीं किस चीज़ की खुशी हुई आगे देखते हैं कि किस चीज़ की खुशी हुई हिज मदर है मदर ने क्या करा एक टुकड़ा उठाया फिश का और उसकी तरफ आने के लिए उड़ान भरी किसकी तरफ यंग सीगुल की तरफ क्योंकि वो दूसरी क्लिफ पे थी और वो इधर वाली क्लिफ पे था ही लीनड आउट वो आगे की तरफ झुका ईगरली बहुत खुश हो गया रॉक पे टैपिंग द रॉक विद हिस्स फीट और अपने पैर से पैर बजाने लगा जैसे हम डांस करते टाइम या बैठे बैठे अगर गाना सुन रहे होते हैं तो हम अपने पैर बजाना शुरू कर देते हैं जमीन पर ऐसे ही उसने बहुत खुशी से रॉक पर अपने पैर बजाने शुरू कर दिए ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी flew अक्रॉस फ्लू अक्रॉस मतलब जैसी वो उसकी तरफ आ रही थी उसने देखा कि उसकी मदर उसकी तरफ आ रही हैं तो वो भी जहाँ पर बैठा हुआ था उससे थोड़ा आगे आता है चल कर उड़कर नहीं चल कर आता है शी हॉल्टेड बट बट अचानक से वो रुक जाती है अचानक से रुक जाती है हर विंग्स मोशन लेस और उसके विंग्स जो है बिल्कुल भी नहीं हिलते ठीक है एकदम ठहर गई हवा में द पीस ऑफ फिश इन अग ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ दिस बीक बस इतनी पास आके रुकी कि उसे उड़ान तो भरनी ही पड़ेगी अगर वो खाना लेना है क्योंकि वो क्लिफ तक नहीं गए क्लिफ तक नहीं गई क्लिफ से थोड़ी दूर रही यहीं पे रुकी रही चोंच में खाना है उनकी बट वो उसको देती नहीं है ठीक है ही वेटेड मोमेंट इन सरप्राइज वो हैरान हो गया सरप्राइज का मतलब यहाँ पे खुशी से नहीं है हैरानी को बोला गया है वंडरिंग और सोचने लगता है वीन्स थिंकिंग ठीक है लिख लीजिए वंडरिंग मीन्स थिंकिंग सरप्राइज मीन्स टू गेट शॉक्ड वाई शी डिड नॉट कम नियर कि वो और पास क्यों नहीं है अगर उसे खाना ही देना है तो पास क्यों नहीं है एंड देन मैडन बाय हंगर क्योंकि वो बुख से पागल हो रहा था ही डाइप डाइट द फिश उसने छलांग उसने अपनी मदर की ही उसने क्या कोशिश करी कि मैं छलांग मारूँगा मदर की चोट से फिश झपट लूंगा और वापस रोक पे आ जाऊंगा बट इट वॉज नॉट द एंड विद स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड बहुत तेज चिल्लाकर वो स्पेस में स्पेस का मतलब यहाँ पे वो नहीं है आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर यहाँ पे हवा में ठीक है क्लिफ से तो बाहर आ गया पर सी में भी नहीं है अभी बीच में है वो हवा में ठीक है तो वो बहुत तेज ठीक मारता है और बाहर की तरफ क्लिफ से बाहर निकलता है ठीक है क्लिफ से बाहर निकलता है और नीचे की तरफ जाता है ठीक है देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर मॉन्स्ट्रस मतलब बहुत भयंकर वेरी टेरिबल बहुत ही टेरिबल टेरर टेरर मतलब डर उसको पकड़ लेता है सीज्ड का मतलब होता है पकड़ लेना कैप्चर कर लेना ठीक है एंड इज स्टूड स्टिल और एकदम से उसकी सांसें रुक जाती हैं दिल धड़कना रुक जाता है ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ ही कुड हियर नथिंग कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्यों क्योंकि डर का पावर ही इतना ज्यादा तेज था क्योंकि डर की पावर ही इतनी तेज थी कि ना उसे कुछ सुनाई दे रहा था ना उसे कुछ महसूस हो रहा था और ना ही उसे कुछ पता चल रहा था बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट पर ज़्यादा देर नहीं रहा ये सिर्फ कुछ ही मिनट की बात थी एक दो मिनट रहा द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज बिंग स्प्रेड आउटवर्ड उसके अंदर खुद से करे जाया कि उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या करा अपने पंख खोल दिए द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स और उसे हवा लगने लगी हवा महसूस होने लगी उसके आगे चेस्ट वाले पार्ट में आ, क्योंकि वो पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है बर्ड्स का क्योंकि वो जो ब्रेस्ट पार्ट होता है जो चेस्ट पार्ट होता है विंग बर्ड्स का वो उनको हेल्प करता है एयर को फेस करने में उनका बॉडी बैलेंस करने में विंग्स हेल्प करते हैं पर पूरे बॉडी वेट को जब वो संभालते हैं तो वो अपनी इस ब्रेस्ट पार्ट उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ताकि वो हवा को तेज़ हवा को जल्दी से फाइट कर सकें ठीक है देन अंडर इज स्टमक एंड अगेंस्ट विंग और फिर उसे पूरी बॉडी पे हवा लगने लगती है क्यों? क्योंकि वो पंख को क्या करने लगा है फ्लैप ठीक है एयर और उसे लगने लगा की हवा को वो काटता हुआ उड़ पा रहा है क्योंकि विंग्स बर्ड्स के जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है एक तो विंग्स और जो विंग्स होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं भगवान जी ने ही इस तरीके से डिजाइन करे है कि वो हवा को काटते हुए आगे की तरफ बर्ड को जाने में हेल्प करे सो ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलांग नाउ ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलांग का मतलब क्या है अब सीधा वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था ठीक है ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली वो नीचे 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 नहीं जा रहा था सोरिंग का मतलब होता है टू टू गो अप इन द एयर टू गो हाई टू गो हाई तो वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे-धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा था डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स और ज्यादा बाहर की तरफ मतलब अब वो क्लिफ के पास नहीं था उससे दूर आ चुका था नीचे की तरफ जाता था पर धीरे धीरे वो ऊपर भी आ रहा था ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था ही फेल अब बिट डिजी डिजी मतलब अनकंफर्टेबल अनकॉन्शियस फील करता है ठीक है क्योंकि एकदम से अभी बैलेंस नहीं बना पा रहा क्योंकि ये उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स और फिर एक बार फिर से उसने विंग्स को फड़फड़ाया और वो ऊपर की तरफ जाने लगा और बहुत खुशी से उसकी मदर जो है उसके पास आती हैं सूब्ड पास पास मतलब उड़ान भर के बहुत उसके पास आती हैं वो और गा 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 गो कोलहा करके वो आवाज़ निकालती हैं वो क्या था एक एनक्रेजमेंट था उसके लिए वो क्या था उसके लिए एनकरेजमेंट देन इज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग यहाँ पर डांटने वाला चिल्लाना नहीं है स्क्रीमिंग का मतलब यहाँ पे क्या है अपनी वॉइस निकाल के वो भी उसको एनकरेज करने आए ही सॉ हिज ट्रू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग उसने क्या देखा कि उसके अब उसके भाई बहन भी उसके साथ उड़ान भर रहे हैं अब चारों भाई बहन एक साथ उड़ान भर रहे थे और क्या कर रहे थे जैसे घोड़े छलांग लगाते हैं इस तरीके से वो लंबी लंबी डाइव लगा रहे थे हवा में उड़ रहे थे पता नहीं क्या है एक मिनट हिम कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग ठीक है तो वो क्या करते हैं जैसे घोड़े की तरह छलांग लगती है ऐसे छलांग लगाते हैं बैंकिंग एंड सोरिंग बैंकिंग का मतलब क्या है मतलब एक इस तरीके से कर रहे थे बैंकिंग इस तरीके से होती है जब स्लांट पोजिशन में आप एक लंबी बर्ड्स क्या करती हैं एक पंख नीचे की तरफ एक पंख ऊपर की तरफ और फिर ऐसे लंबी उड़ान भरती हैं उसको बोला गया है बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग सोरिंग ऊपर जाना और डाइविंग नीचे आके छलांग मारना और स्किमिंग करना ठीक है देन ही कम्पलीटली फॉगआउट दैट ही हैड नॉट नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई और वो एकदम से इस चीज़ को भूल ही गया कि आज से पहले उसने कभी उड़ान भरी नहीं उसे लग ही नहीं रहा था कि वो आज से पहले कभी उड़ा ही नहीं है कि यह इसका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है ठीक है एंड कमेंडेड हिमसेल्फ कमेंडेड का मतलब होता है अपनी ही तारीफ करना खुश होना टू डाइव एंड शोर एंड कर्व स्ट्राइकिंग श्रीली और बहुत तेज़ चीख चिल्लाकर और बहुत तेज़ चीख चिल्लाकर वो उड़ता है उड़ान भरता है ठीक है उसे बहुत खुशी हो रही है इस मोमेंट पे ही बह नियर द सी शोर वो सीशोर के पास था फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट ठीक है बिल्कुल सीधा ये मान लो सी शोर है किनारा है तो उसके बिल्कुल करीब वो उड़ पा रहा है ठीक है सी शोर फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर दी ओशन और सीधा किसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था वो ओशन की तरफ ही सो अवास ग्रीन सी भी नीति थी और उसने अंडर अपने नीचे क्या देखता है वो कि एक बहुत ज्यादा फैली हुई एक ओशन है एक, आ, एक ओशन है नदी है समुद्र है पूरा ठीक है विद द लिटिल रिजिस मूविंग ओवर इट रिजिस का मतलब क्या है छोटी फिशेस को बोला गया स्मॉल फिशेस ठीक है कि ग्रुप में छोटी छोटी फिशेस जा रही हैं एंड टर्नड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड म्यूजली ठीक है और उसने क्या करा अपनी बीक को साइडवेज घुमाया और बहुत तेज कॉ करता है कॉ मतलब यहाँ पे आवाज निकाली गई है ठीक है बहुत खुशी से आवाज़ निकालता है क्यों क्योंकि वो मोमेंट उसके लिए बहुत एक्साइटिंग था कि उसकी ये फर्स्ट फ्लाइट थी वो फर्स्ट फ्लाइट में ही डर को भी भूल गया उड़ना भी सीख गया डाइव करना भी सीख गया सीधा चलना भी सीख गया बैंकिंग करना भी सीख गया बैंकिंग में मतलब पैसा डालना और लेने की बात नहीं हो रही है ऐसे टेढ़े वाली फ्लाइट की बात हो रही है जिसमें एक विंग नीचे रहता है एक विंग ऊपर रहता है और फिर टेढ़े वो जो है उड़ान भरते हैं हाँ हवा में

उसने कोशिश करी कि मैं हरी वो समुद्र पे अपने पैर को टिका सकूं ठीक है हिज लेग सैंक into it और उसके पैर उसमें गए वो बहुत तेज डर जाता है बहुत ज़्यादा डर जाता है बहुत तेज चिल्लाता है and अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग इज बिंग और फिर कोशिश करता है कि उसे लगता है वो फंस गया पानी में फॉर अ मोमेंट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट उसको ये लगता है कि वो फंस गया इतने में वो क्या है अपने पंख को बहुत तेज फड़फड़ाता है और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है बट एक तो डर वन वॉज द फियर एंड अदर वॉज हंगर क्योंकि उसने कुछ खाया हुआ नहीं था ठीक है वो उड़ नहीं पाया एग्जॉस्ट हो जाता है डर ने उसको और भूख ने दोनों ने मिलकर उसको एग्जॉस्ट कर दिया ठीक है स्ट्रेंज एक्सरसाइज बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब ये पूरा दिन जो उसने डाइविंग सीखी और बहुत तरीके की उसने छलांग मारना उड़ना सीखा वो सब क्या था कि उस फेज में वो क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है उसकी वजह से हिज फीट संक इन टू ग्रीन सी वो ग्रीन सी में ही डूबने लगता है बट एंड देन हिज बेली टचड और धीरे धीरे वो पानी में जैसे ही जा रहा होता है उसकी बेली मतलब पेट पार्ट जो होता है उसका स्टमक पार्ट टच करता है ही सैंक नो फर्दर वो और नीचे गया ही नहीं बस उसके बेली पार्ट तक ही हुआ क्यों ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट क्योंकि अब उसको एक स्किल भी आ गई थी क्या पानी में फ्लोट करने की अगर ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता तो शायद वो फ्लोटिंग भी बहुत देर में सीखता बाद में सीखता एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग और उसके आस पास क्या थी उसकी फैमिली उसके लिए चिल्ला चिल्ला कर उसको यहाँ पे स्क्रीमिंग मतलब अपनी वॉइस निकाल कर उसकी तारीफ कर रही थी ठीक है और आसपास क्या था क्योंकि यहां पे क्या बताया गया कि हंगर उसकी बेस्ट ड्राइव थी हंगर वाज द बेस्ट मोटिवेशन एंड ड्राइव ड्राइव मतलब वो फोर्स जो उसको काम करने के लिए मजबूर करे बेस्ट मोटिवेशन एंड ड्राइव टू तो हेल्प हिम लर्न जिसने उसे उड़ना सीखने में मदद की ठीक है एंड दे एंड दे बीग विंग हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश और इधर उधर सब आस पास तीनों तीनों भाई बहन और मदर फादर उसके लिए डॉग पीसेस जो थे अपनी जीब में दबाए थे दबाए हुए थे क्यों क्योंकि जैसी वो डूबने लगा ठीक है डूबने लगा तो उन्होंने उसको मोटिवेशन दिया और वो मोटिवेशन क्या था एक फिश का उनकी जीब में होना ही हैड मेड हिज फर्स्ट प्राइज एंड दैट वॉज द डे ही फाइनली लर्ंच एंड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट ठीक है और यहाँ पे हमारा पूरे चैप्टर का जो नेम है वो सबसे एंड में आया है ठीक है आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एवरी थिंग बट इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पर्सनली लेट मी नो थ्रू कॉमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन इफ यू आर क्लियर अबाउट इट यू मस्ट हिट द लाइक बटन थैंक यू एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो कवरिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर थैंक यू बाय